प्रिय छात्र, पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 6 प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा ये पाठ शुरू किए थे और जाने थे पढ़े थे कि किस तरह लेखक बच्चे यात्रा पर जाने के लिए नया स्थान तलाश करते हैं, मानचित्र लेकर नए स्थान की तलाश कर कर जाने की तैयारी करते हैं, सूची बनाते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं कि किस तरह प्लान कर रहे हैं और जा रहे हैं। अब जाने का दिन आया। बड़े सवेरे उठकर सबने तैयारी की और चल पड़े अपनी यात्रा पर। सर्वप्रथम हम नैनीताल पहुंचे। लेखक बता रहे हैं कि सबसे पहले हम नैनीताल आए, वहाँ पहुँचे। हमारे कॉटेज बुक थे, कॉटेज कहते हैं रहने की जगह या झोपड़ी, जहाँ पर मुसाफिर पर्यटक पहले से वहाँ पहुँचने से पहले बुक कर लेते हैं। तो लेखक ने भी पहले से कॉटेज बुक कर रखे थे। वहाँ के तालों प्राकृतिक सुषमा एवं मौसम का आनंद ले हम अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। वहाँ कुछ ठहरे थे वो नैनीताल में, ये भी पर्यटन स्थल है। वहाँ का प्राकृतिक सुषमा सौंदर्य जिसे कहेंगे एवं मौसम बहुत अच्छा है वहाँ का। वहाँ पर रुककर बच्चों ने लेखक ने आनंद लिए, फिर अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। अल्मोड़ा जाते वक्त रास्ते में देवदार के वृक्ष से ढकी मोहक घाटियों के बीच सर्पिली कहते हैं जिस तरह सांप लहरें डालकर टेढ़ा मेढ़ा जाता है, उसी तरह जो सड़क है टेढ़ी मेढ़ी सड़क, ऐसी सड़क पर हमारी कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। रास्ते में पहाड़ों पर बने सीढ़ी नुमा खेत और खेतों में उसमें काम करते लोग शर्म से अपनी जीविका चलाने वालों के चेहरों पर अजीब सी अलमस्ती और निश्चिंतता, इस शब्द के अर्थ होता है बेफिक्र, निश्चिंतता झलकती है। दूसरे दिन सुबह हम तैयार होकर अल्मोड़ा देखने निकले। रास्ते में लेखक ने बच्चों ने खेतों में काम करते हुए मजदूरों को देखा। मजदूर खुश दिखाई दे रहे थे, निश्चिंतता दिखाई दे रहे थे, बेफिक्र दिखाई दे रहे थे, कोई इनको ऐसी परेशानी नहीं दिख रही थी, यानी मेहनत से वो खुश थे और यही मेहनत के ज़रिए जो उनको रोज़ी मिलती है उस पर उनकी गुजर बसर होता है। दूसरे दिन सुबह में हम तैयार होकर अल्मोड़ा देखने के लिए निकले। जैसा पढ़ा या सुना था वैसा ही देखने को मिल रहा था। राजा कल्याणचंद द्वारा स्थापित अल्मोड़ा घोड़े की नाल के आकार के अर्धगोलाकार पर्वत शिखर पर बसा है। पर्वत, यहाँ पर जो शब्द है पर्वत, पर्वत का अर्थ होता है पहाड़ और शिखर, शिखर यानी चोटी। तो पर्वत शिखर पर अल्मोड़ा बसा है, जहाँ पर देवदार के पेड़ और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों ने आज भी इसके प्राचीन स्वरूप का अर्थ होता है शक्ल, प्राचीन स्वरूप को
सजोए रखा है। सजोए रखना मतलब बरकरार रखा है।